हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे संक्षेप में बोलते हैं CFT। CFT थ्योरी जो दी गई थी वो एज बेथे नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या की थी, दी गई थी। और हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझने से पहले समझते हैं कि जो डी आर्बिटल होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो डी आर्बिटल जो होते हैं वो पांच टाइप के होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX²-Y² और DZ², और ये सभी डीजेनरेटेड डी आर्बिटल होते हैं। मतलब इनकी एनर्जी जो होती है समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर देखिए कि जो DXY होता है उसकी जो लोब्ड होती है, मतलब जो DXY आर्बिटल है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कहाँ है, बिटवीन में, मतलब बीच में स्थित है, मतलब ये बिटवीन द एक्सिस है। इसी तरह जो DYZ है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में स्थित है, और DXZ जो है वो एक्स और जेड अक्ष के बीच में स्थित होता है। मतलब ये तीनों आर्बिटल जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि DX²-Y² और DZ² आर्बिटल जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस है, मतलब अक्ष पर स्थित होते हैं। आप देखिए ये अक्ष पर स्थित है, इनकी जो पॉली बनाई है हमने अक्षों पर बनाई है। जो DX²-Y² है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार अगर DZ² आर्बिटल देखें तो इसकी जो दोनों लोब्ड होती है वो जेड अक्ष पर क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो डी आर्बिटल होते हैं, डी आर्बिटल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। तीन जो डी आर्बिटल है, DXY, DYZ और DXZ, वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, जबकि DX²-Y² और DZ² जो होता है वो अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। अब ये जो दो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये तीनों आर्बिटल, इनको कहते हैं T2G। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों आर्बिटल को हम बोलेंगे T2G आर्बिटल। क्या बोलेंगे? T2G आर्बिटल बोला जाएगा, जो होते हैं बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये तीनों। और अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत हम DX²-Y² और DZ² आर्बिटल को बोलेंगे EG आर्बिटल, जो होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस पर। तो यहाँ पर संक्षेप में अगर शॉर्ट में हम बात करें तो DXY, DYZ और DZ जो होता है T2G आर्बिटल कहलाते हैं, जबकि DX²-Y² और DZ² जो होता है EG आर्बिटल कहलाते हैं। मतलब तीन आर्बिटल ऐसे होते हैं डी कक्षकों में जो T2G होते हैं, और दो आर्बिटल होते हैं EG। अब आइए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझते हैं। तो ठीक है बाल गोपाल और राधा रानी, अब हम समझते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते हैं कि लिगेंड होते हैं, यहाँ लिख देते हैं लिगेंड, और ये होती सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय धातु, सेंट्रल एटम। तो इन दोनों को बोला जाता है आवेश बिंदु, मतलब चार्ज पॉइंट बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत। अब ये चार्ज पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि केंद्रीय धातु और लिगेंड जो होता है, केंद्रीय धातु पॉजिटिव होती है और लिगेंड होता है नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच जो बंध बनता है, इन दोनों के बीच जो बंध बनता है वो पूरी तरह से कैसा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। अब आप बोलोगे लिगेंड तो न्यूट्रल भी होते हैं, तो ठीक है न्यूट्रल होता है। तो पानी अगर न्यूट्रल है तो उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है कि नहीं? तो जो इसका OH सिरा होता है वो पॉजिटिव की तरफ क्या रहता है, दिशा, मतलब उस डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस तरह इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव जो बंध बनाएगा वो आयनिक ही बनाएगा। मतलब लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच जो बंध बनता है वो पूरी तरह से आयनिक बंध होता है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड होता है उनके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को खींचते नहीं है, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तू इधर जा तू इधर जा। मतलब इन दोनों के बीच क्या चलता है, प्रतिकर्षण चलता है। तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु को आवेश बिंदु माना जाता है, और केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच जो भी बंध बनता है वो पूरी तरह से आयनिक कैटेगरी का होता है, और केंद्रीय धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में चलता है रिपल्सन, मतलब क्या चलता है, प्रतिकर्षण चलता है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम CFAC को समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में क्या करेंगे, उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेटल जो होता है वो अगर आइसोलेटेड होता है, मेटल अभी लिगेंड से जुड़ा हुआ नहीं है, मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी नहीं है, मेटल अभी आइसोलेटेड है, मतलब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है,
इस कंडीशन में गैस फॉर्म में भी है वो, तो इस फॉर्म में क्या होता है, उसके जो डी आर्बिटल होते हैं वो डी जनरेट होते हैं, मतलब डी जनरेट होते हैं मतलब वो समान ऊर्जा के स्तर पर होते हैं पाँचों के पाँचों, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सब एनर्जी के समान लेवल पे होते हैं, इसको बोलेंगे डी जनरेसी ऑफ डी आर्बिटल। अब मेटल जुड़ता है किसके साथ में, जब लिगेंड के साथ जुड़ता है तो आइसोलेटेड तो गया, अब क्या होता है मेटल जुड़ा लिगेंड के साथ, तो जैसे मेटल लिगेंड के साथ जुड़ता है वो असममित हो जाता है, और असममित होने के कारण क्या होता है डी आर्बिटलों की डीजेनरेसी हो जाती समाप्त, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन डीजेनरेट आर्बिटल में, और नॉन डीजेनरेट आर्बिटल जो होते हैं वो जो डी आर्बिटल होता है वो ऊर्जा के दो स्तरों में टूट जाता है, मतलब दो प्रकार के डी आर्बिटलों में टूट जाता है, वो होता है T2g आर्बिटल और EG आर्बिटल। ठीक है, अब T2g के कंडीशन में ये तीनों आएंगे कौन कौन, DXY, DYZ और DXZ, और EG में दो आर्बिटल आएंगे DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और अपना कौन सा दूसरा था DZ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये दो आर्बिटल जो आएंगे वो इस कैटेगरी के रहेंगे और ये तीन आर्बिटल रहेंगे वो इस कैटेगरी के रहेंगे। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, T2g की ज़्यादा होगी या EG की ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है लिगेंड पर और क्रिस्टल की जियोमेट्री पर। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे लिगेंड है, अब वो कक्षक मतलब वो आर्बिटल जो लिगेंड के डायरेक्शन में रहेंगे, लिगेंड की डायरेक्शन में, लिगेंड की दिशा में होंगे, उनकी तो दादा एनर्जी हो जाएगी हाई, मतलब उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे आर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में नहीं होंगे, ठीक है, लिगेंड की दिशा में नहीं है, तो उनकी एनर्जी हो जाएगी लो। तो ये आप समझ गए कि जो आर्बिटल होते हैं, ऐसे आर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में होंगे उनकी एनर्जी बढ़ती है, और ऐसे आर्बिटल जो लिगेंड की डायरेक्शन में नहीं होते उनकी ऊर्जा क्या हो जाती, घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, वो तो डिपेंड करता है जियोमेट्री के ऊपर। अब क्या होता है, ऐसे लिगेंड जो जाकर अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस, मतलब अक्षों के बीच में अप्रोच करते हैं, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, हमारे T2g आर्बिटल हाई एनर्जी लेवल पे होंगे और EG आर्बिटल लो लेवल पे होंगे। लेकिन अगर हमारा लिगेंड क्या करता है, अलॉन्ग द एक्सिस अप्रोच करता है, मतलब वो डायरेक्शन में जाता है कहाँ पर, एक्सिस की डायरेक्शन में, इस कंडीशन में क्या होगा, EG वाले हाई लेवल पे होंगे, T2g वाले क्या पे होंगे, लो लेवल पर होंगे। एक बार फिर से आप सुनिए, ऐसे लिगेंड जो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बिटवीन द एक्सिस वाले T2g आर्बिटल, ये लिगेंड की दिशा में हो जाएंगे और इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, उस कंडीशन में EG की एनर्जी क्या होगी, लो लेवल पे होगी। लेकिन अगर ऐसे लिगेंड हो अपने पास जो करते हैं, जो अप्रोच करते हैं एक्सिस पर अप्रोच करते हो, तो उस समय क्या होता है, ये आर्बिटल लिगेंड की दिशा में आ जाएंगे, तो EG का एनर्जी लेवल हाई होगा और T2g का जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, अब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ऐसे डी आर्बिटल, ठीक है, ऐसे डी आर्बिटल जो क्या होते हैं, लिगेंड की दिशा में है, ठीक है, ऐसे डी आर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में है उनकी एनर्जी तो हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऐसे डी आर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में नहीं होते तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती, घट जाती है। तो ये जो घटना घटी है, कौन सी घटना, जिसमें डी आर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में एनर्जी पे बढ़ गए, जो डी आर्बिटल लिगेंड की दिशा में नहीं उनकी एनर्जी घट गई, इसी घटना को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो घटना घटती है उसमें जो ऊर्जा में कमी आती है उसी ऊर्जा को बोलते क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दो नाम है इसके, आप यहाँ तो बोल दो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो डी आर्बिटल होते हैं लिगेंड की दिशा में होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जो डी आर्बिटल लिगेंड की दिशा में नहीं होती उनकी ऊर्जा घट जाती है, इसी घटना को बोलते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण एनर्जी में जो भी कमी आती है उसी एनर्जी को बोलते क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ठीक है बाल गोपालो, अब क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम EG और T2g को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल जो जियोमेट्री होती है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आती है, और उसमें 6 लिगेंड क्या होते हैं, मेटल के आसपास, मतलब सेंट्रल एटम के आसपास उपस्थित होते हैं, और ये जो लिगेंड होते हैं
ये लिगेंड जो अप्रोच करते हैं वो अक्ष की दिशा वाले आर्बिटलों को अप्रोच करते हैं। अब अक्ष की दिशा में कौन से आर्बिटल होते हैं, तो अक्ष की दिशा में आर्बिटल होते हैं ईजी वाले। ईजी बोले तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर आप देख रहे हो, ये अक्ष पर स्थित होते हैं। तो इस कारण ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, और ज़्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो गोली सममित क्रिस्टल क्षेत्र में जो डी कक्षकों की औसत ऊर्जा होती है उससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब ईजी वाले जो होंगे हाई एनर्जी लेवल पे होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जो दूसरे आर्बिटल होंगे टी टू जी, वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब वो लिगेंड की दिशा में नहीं है, लिगेंड की दिशा में नहीं है, इसलिए इसकी ये कम प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। इसलिए जो टी टू जी वाले कौन कौन, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये क्या करेंगे, जो गोलीय सममित क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षों की औसत ऊर्जा होती है कम प्रतिकर्षण के कारण इनकी एनर्जी कैसी होगी, लो लेवल पर होगी। अब अपन ई जी और टी टू जी को कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि जो ई जी है, ठीक है, पहले ई जी को या टी टू जी किसी को भी कैलकुलेट कर लेते हो, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल अपने पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल जो हमारे पास है वो कितने हैं, पाँच है। और आप देखिए मैंने डेल ओ लिखा हुआ है क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल से शो करते हैं, और हम ऑक्टाहेड्रल में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ओ लिखा है, ठीक है, आप समझ गया। अब टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल जो मेरे पास है कितने, फाइव है, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी लो हुई है वो किससे लो हुई है, तो इनकी एनर्जी लो हुई है टू आर्बिटल, टू ई जी आर्बिटल से, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू। इनकी एनर्जी लो है इसलिए यहाँ पर चिन्ह लगा दूंगा माइनस का। अब अगर मैं इसको माइनस टू बाई फाइव को क्या करूँ, कैलकुलेट करूँ, तो कैलकुलेट करने पर मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.4 किस में, माइनस में। तो इसकी जो वैल्यू काउंट हुई वो, जो इसकी टी टू जी वैल्यू काउंट हुई वो 0.4 कैलकुलेट हुई। अब मैं बात करता हूँ ऊपर, इसके आगे डेलो तो लगाओगे आप, ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर वाले की कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल तो कितने, पाँच ही है। अब इनकी जो एनर्जी हाई है वो इन तीन आर्बिटलों से हाई है, तो यहाँ पर मैं तीन लिख देता हूँ, ठीक है। और चूंकि इनकी एनर्जी हाई है तो यहाँ मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। अब प्लस का चिन्ह लगा दूंगा तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 3/5 की वैल्यू आएगी 0.6। तो इसकी जो एजी एनर्जी काउंट हुई वो कितनी हुई, 0.6 काउंट हुई। तो आप समझ गए कि जो एजी वैल्यू है किसके अंतर्गत, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में जो एजी वैल्यू है उसकी वैल्यू होती, उसका जो मान आता है वो 0.6 आता है। और जो क्या बोलते हैं अपनी टी टू जी आर्बिट, टी टू जी की जो वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल में वही 0.4। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हमने क्या करा है, ऑक्टाहेड्रल में ई जी को कैलकुलेट करा है, टी टू जी को कैलकुलेट करा है। अब हम क्या करते हैं टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं इसको देख, तो ठीक है बाल गोपाल, अब क्या करते हैं हम टेट्राहेड्रल जियोमेट्री या टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या करते हैं टी टू जी वैल्यू और ई जी वैल्यू को क्या करते हैं कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें लिगेंड की संख्या होती है चार, मतलब लिगेंड जो होते हैं नंबर में चार होते हैं। और लिगेंड जो अप्रोच करते हैं, लिगेंड जो अप्रोच करते हैं वो करते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस का मतलब होता है अक्ष के बीच में। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं अक्षों के बीच में, वो क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं अक्षों के बीच में आर्बिटल को क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं। अब अक्षों के बीच में मतलब बिटवीन द एक्सिस जो अपने पास जो आर्बिटल होते हैं वो असल में अपने पास तीन आर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिन्हें हम बोलते हैं टी टू जी आर्बिटल। तो इस कंडीशन में क्या होता है जो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं लिगेंड, तो इस कंडीशन में क्या होता है ये वाले आर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन को क्या करते हैं, ज़्यादा रिपल्शन इन पर लगता है, मतलब प्रतिकर्षण बल इन पर ज़्यादा लगता है और इस कारण इनकी एनर्जी हाई होती है। तो मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा हो जाता है ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल में क्या हुआ था ईजी की एनर्जी हाई थी और टी टू जी की लो थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या हुआ टी टू जी की एनर्जी हाई हो गई क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्सन का क्या कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं। जबकि क्या होता है ये जो अक्ष पे स्थित होते तो फिर ये अक्ष पे होते तो ये लिगेंड की दिशा में नहीं हो पाते, इसलिए ईजी आर्बिटलों की जो ऊर्जा होती वो कम होती। अब इस तरह से क्या होता, अब हमने देखा कि जो यहाँ पर होगा इनकी ईजी आर्बिटल की एनर्जी क्या है लो है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल तो हमारे पास अब भी पाँच ही है, लेकिन अब क्या हुआ इनकी ऊर्जा इन तीन से कम है इसलिए यहाँ पे तीन लगेगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी, आप समझिए माइनस में आएगी 0.6। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी हमारे पास वो आएगी माइनस में 0.6 डेल टी। पहले हम यहाँ पे ओ लिखते थे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, अब यहाँ पे हम स्प्लिटिंग एनर्जी को टी से शो कर रहे हैं डेल टी से, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है इसलिए टेट्राहेड्रल का टी लगा दिया, ठीक है। अब इसको देखिए आपकी ये जो आर्बिटल है टी टू जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल तो अब भी हमारे पास पाँच ही है,
लेकिन इनकी एनर्जी जो हाई है वो किससे हाई है, टू आर्बिटल से हाई है, तो यहाँ पर टू लिख देंगे और यहाँ पर हाई है इसलिए प्लस लगा देंगे। अब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया आएगी वो 0.4 डेल्टी आएगी। तो इस तरह से हमने क्या करा, दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करने सीखा कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें टी टू जी और ई जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, और जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें टी टू जी और ई जी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। इसके आगे हम और मिलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। हमारा अभी एक और टॉपिक बचा जिसमें हम टेबल को क्या करेंगे, टेबल समझेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।